आपका फिर से एक बार स्वागत है। दरभंगा नगर निगम में 40 सालों से कार्यरत महिला सफाई कर्मी काला देवी दिनांक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गई। श्रीमती काला देवी 15 सालों से निगम अंतर्गत वार्ड 29 में सेवानियुक्त थी, जो कि 30 जून 2020 को वार्ड 29 से सेवानिवृत्त हुई है। इस मौके से वार्ड 29 पार्षद सह जन अधिकार पार्टी मुन्ना खान द्वारा काला देवी का विदाई समारोह कर शॉल व माला से सम्मानित करने के साथ उन्हें वस्त्र, छाता, टॉर्च, मास्क के साथ साथ जरूरत का सामान दिया गया। इस मौके पर भावुक होकर डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि काला देवी 15 सालों से लगातार वार्ड 29 में ये सफाई कर्मी के पद पर सेवा देती आ रही थी। बाढ़ हो या बारिश हो, कड़ी धूप हो या ठंड हो, चाहे इस वैश्विक आपदा कोरोना महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर पीछे नहीं हटी। वार्ड नंबर 29 को अपने घर का आंगन समझकर सफाई करती रही। अब इनकी कमी मुझे और सफाई कर्मी को महसूस होती रहेगी। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। आपको बता दें, आंखों से आंसुओं की कतार निकल पड़े। इस मौके पर लोगों के, खासकर सफाई कर्मी में अशोक राम, विष्णु राय, रोहित राम, रमेश राम, मोहम्मद राजू, शोभा देवी, श्राद्धा देवी सभी मौजूद रहे। जमादार गुनीराम तबियत खराब रहने के कारण सम्मानित सभा में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए मुन्ना खान ने खासकर लोगों को बहुत जागरूकता के साथ यहाँ पर समझाया भी और सम्मानित करने का काम किया है। डॉक्टर मुन्ना खान वो पार्षद हैं कि लगातार एक्टिव रहते हैं लोगों के काम में। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छा स्वागत किया है और हम काम को हम निभाए। क्या नाम है आपका? काला। कितने दिन काम किए नगर निगम में आप? काम 29 वार्ड में काम किए सब दिन। कब से कर 29 वार्ड में हम 15 साल। ये पहला पार्षद है जो सफाई कर्मी को सम्मानित कर रहे हैं आज। पहला पार्षद। की नाम भेल? काला। बता घर भेल? सबसे बड़ी बात की है, बिल्कुल आज नम आँखों से, क्योंकि मेरी बिल्कुल माँ की तरह इन्होंने समझा मुझको अपने बेटे की तरह, और मैंने माँ से कोई ज़्यादा कमी नहीं की। सामने मौजूद हैं और इन्होंने वार्ड को बिल्कुल अपने घर के आंगन की तरह समझा, और जब तक रही बिल्कुल सफाई, कभी शिकायत नहीं होने दिया। और पिछले 12 साल से मेरे साथ थी। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ और क्षमा भी कहता हूँ, कभी किसी बात को अगर कि हमने इनको कहा हो तो इससे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि भगवान को लंबी उम्र दे और ये हताश नहीं हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर होता है कि लोग हताश हो जाते हैं, क्या करना है। नहीं, काम बहुत है ज़िंदगी में, अपना परिवार है, हम हैं, खास के मेरे लिए जिए, और आगे जो काम है इनका, वो काम वार्ड में आगे नहीं करती तो भी मेरे पास आए, कोई भी समस्या मेरे पास आए, मैं इनके साथ हमेशा सदा खड़ा रहूँगा।